किसान आंदोलन के चार प्रकरण में जिला पंचायत सदस्य सहित 5 आरोपियों को 4 वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया। जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह सेंधव ने कहा, हमें बीजेपी के सरकार के लोगों ने फंसाया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय में हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। सोनगंज अपर जिला और सत्र न्यायालय ने सन 2017 में भौरासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेवरी फाटा चौकी के समीप इंदौर भोपाल हाईवे रोड पर किसान आंदोलन के दौरान उपद्रवियों द्वारा चक्का जाम कर सरकारी वाहनों सहित बस कार में आग में आगजनी की घटना घटित कर भय का माहौल बनाया था और भय का माहौल बनाकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई थी। पुलिस ने घटना को लेकर वर्तमान जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह सेंधव सहित दर्जन भर से अधिक आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए थे। आज माननीय अपर जिला और सत्र न्यायालय ने किसान आंदोलन की 6 प्रकरणों में फैसला सुनाते हुए आरोपियों को 2 प्रकरणों में बरी किया, जबकि 4 प्रकरणों में दोषी पाते हुए जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह सेदव सहित 5 अन्य आरोपियों को 4-4 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह सेदव को 3,26,000 के अर्थदंड से दंडित किया, वहीं अन्य आरोपियों को 1,76,000 के अर्थदंड से दंडित किया। सजा के बाद जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि हमें बीजेपी के लोगों ने झूठा फंसाया, जिस वजह से हमें सजा मिली, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा और हम किसानों की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। आज माननीय न्यायालय द्वारा कुल 6 प्रकरणों में फैसला सुनाया गया, जिसमें 4 प्रकरणों में दोषी पाते हुए आरोपीगण को 4-4 वर्ष की सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया, जो सभी मिलाकर कुल लगभग 3,00,000 रुपये एक आरोपी पर और अन्य आरोपी पर 50,000 करके 1,50,000 रुपये का अर्थदंड किया गया। घटना 7 जून 2017 की है। उस समय भौरासा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेवरी फाटा पर लोगों द्वारा उपद्रवियों द्वारा चक्का जाम कर शासकीय वाहन चार्टर बस अन्य बसों में आग लगा दी थी, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था। उस समय प्रकरण चला, इसके बाद में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए आज ये फैसला सुनाया गया। हाँ सर, क्या इसमें कोई जनप्रतिनिधि भी शामिल था सर क्या? हाँ, इसमें आरोपी है महेंद्र सिंह तालोद, हरेन्द्र सिंह, महेश पाटीदार, महेश नागर, विक्की गुजर, इनको दोषी पाते हुए सर कुछ सुना गया। सर को वर्तमान में कोई जिला पंचायत सदस्य भी इसमें शामिल है क्या सर? हाँ, जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह तालोद का है, बताया गया उनको सजा हुई है। उनको भी सजा हुई, 4 वर्ष की। 4 वर्ष की। आपका नाम और पद बता दीजिए सर। गजराज सिंह कुशवाहा, शासकीय अधिवक्ता सोनगंज। न्यायालय का आपको सजा क्या कहेंगे आप? किसान आंदोलन में हम निर्दोष लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फंसाया है और आज हमें बेगुनाह लोगों को जो कहीं पुलिस की गाड़ी जली थी और कुछ जली थी उसमें हमें 4-4 साल की सजा दे दी गई है। पूर्णतः निर्दोष लोग हैं, हमने ना तो ये कृत्य किया ना करेंगे। मैं आज से करीब 22 साल की उम्र से पद पर बैठा हूँ, आज तक अभी हजारों प्रोटेक्शन हम कर चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे ऊपर कभी ऐसी गंदी हरकत हम लोगों ने नहीं की। लेकिन यहाँ से न्यायालय ने जो हमें किया वो सर्वमान्य है, बड़े न्यायालय में जाके न्याय मिलेगा, न्यायालय का सम्मान करते हैं, बड़े न्यायालय में जाके हमारा किसानों से क्या अपील करेंगे? किसानों से यही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसानों को बेचारों को फंसा रही है, बेगुनाह लोगों के साथ में अत्याचार कर रही है। रुपेश सिंह की रिपोर्ट।